जब भी घर से हम लोग ट्रेन पकड़ने के लिए निकलते हैं तो हम लोगों के मन में काफ़ी सारा कन्फ्यूजन रहता है कि कहीं ट्रेन तो कैंसिल नहीं है, कहीं ट्रेन तो लेट तो नहीं है, कहीं ट्रेन का रूट तो नहीं चेंज कर दिया गया है, कहीं ट्रेन का जो टाइमिंग है वो तो चेंज नहीं कर दिया गया है, या ट्रेन स्टेशन पर आई होगी कि नहीं आई होगी। तो ये सारे कन्फ्यूजन हम लोगों के मन में जो रहता है, तो मैं आपको इस वीडियो में ये सारे कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। सो गाइस, मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप घर से ट्रेन पकड़ने के लिए निकलने से पहले आप किस तरीके से ये सब चेक कर पाएंगे कि ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई है या नहीं, या कहीं लेट तो है, या उसका ट्रेन ही का टाइमिंग तो चेंज नहीं कर दिया गया है, या ट्रेन का कैंसिल तो नहीं कर दिया गया है ट्रेन, या उसका रूट तो चेंज नहीं कर दिया गया है। तो मैं आपको इस सब इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, वो भी सरकारी एप्लीकेशन की हेल्प से। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया और कितना अच्छा यह एप्लीकेशन होगा। सो गाइस, इस वीडियो को आप कम्प्लीटली देखिएगा तभी आप कुछ समझ पाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। Shut up and sit down. किसी भी ट्रेन का लाइव स्टेटस चेक करने के लिए आपको ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, NTES। ये एक सरकारी एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करने के बाद इसको आप ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपको नज़र आएगा। यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप सारे के सारे ट्रेन जो कैंसिल हुआ है उसको देखने के लिए यहाँ कैंसिल वाले ट्रेन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सबसे पहले डेट चूज कर लेना है कौन से डेट में देखना चाहते हैं। इस तरीके से आपके सामने पूरे के पूरे जो भी ट्रेन जो कैंसिल हुआ है उसका लिस्ट आपके सामने में कुछ इस तरीके से आपको आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है रीशेड्यूल का। यहाँ पे रीशेड्यूल का मतलब यह है कि जिस भी ट्रेन का जो टाइम चेंज किया गया है वो सारे के सारे ट्रेन जो आपको इसमें मिल जाता है। तो इसके लिए आप इस पर ओपन करेंगे, इसको यहाँ पे आप डेट चूज कर लेंगे कौन सा डेट में देखना चाहते। इस तरीके से आपके सामने पूरे के पूरे ट्रेन आ जाता है, जिस भी ट्रेन का टाइम चेंज किया गया है तो वो सारे के सारे ट्रेन आपके सामने में इस तरीके से आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे है डाइवर्टेड ट्रेन्स। डाइवर्टेड ट्रेन मतलब वो हुआ जिसका जो है रूट चेंज किया गया है, तो उसको देखने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डेट चूज कर लेंगे जो जिस भी डेट में आप देखना चाहते हैं। इसके बाद सिंपली डेट चूज करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि इतने सारे ट्रेन का है जो है रूट चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, आ जाता है ट्रेन बिटवीन स्टेशन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जिस भी स्टेशन का जिस भी स्टेशन से देखना चाहते हैं इस पर आप डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, आपको अगर इसमें मिल जाता है तो इसमें से चूज कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पटना जंक्शन, इस तरीके से यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर डाल आ गया और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ दिल्ली। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको दिल्ली भी सर्च कर लेना है। अगर इसमें आ जाता तो इसमें से आपको चूज कर लेना है, नहीं तो आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ दिल्ली कैंट दिल्ली आ चुका है, जिसे मैं यहाँ दिल्ली कैंट को चूज कर लेता हूँ। यहाँ गेट ट्रेन, यहाँ पे आपको ऑल ट्रेन, यहाँ पर जो भी ट्रेन है इसमें से आपको चूज कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑल टाइप ही रहने देता हूँ, यहाँ पे मैं गेट ट्रेन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए कि यहाँ पे इस स्टेशन से उस स्टेशन के बीच में कितने सारे ट्रेन हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पर ट्रेन आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से ट्रेन बिटवीन स्टेशन पे चूज करके आप दो स्टेशन के बीच में जितने ट्रेन हैं उसको फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका है ट्रेन शेड्यूल का ऑप्शन। यहाँ पे आप जो भी ट्रेन में जाना चाहते हैं उसके बीच में कितने स्टेशन पड़ते हैं वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेन नंबर या नाम डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ट्रेन नंबर, तो यहाँ पर आपको ट्रेन नंबर डाल देना है। इस तरीके से मैं डाल देता हूँ और यहाँ पे आप कहिए कि ट्रेन नंबर डालते हैं, यहाँ पर देखिए कि ये जो सारे के सारे स्टेशन से होते हुए ट्रेन ये न्यू दिल्ली जाएगी और इतने स्टेशन से होते हुए आप ये ट्रेन जाएगी। तो यहाँ पे आप डेट भी चूज कर सकते हैं कौन सा डेट में अगर देखना चाहते हैं। जैसे मैं 31 में देखना चाहता हूँ तो ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद यहाँ पे 100 शेड्यूल पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर देखिए कि ये इतने स्टेशन से होते हुए ये ट्रेन इस डेट में यहाँ पे जाएगी। तो यहाँ से आप डेट चूज कर लीजिएगा कौन सा डेट में आप देखना चाहते हैं, वो डेट आपको यहाँ पर दिखा देगा। नेक्स्ट मंथ के देखने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है जिस भी मंथ में जिस भी डेट में देखना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे और 100 शेड्यूल पर क्लिक करके उस डेट में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेशन से ये होते हुए जो
एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए ट्रेन जाती है। इसके अलावा लाइव स्टेशन देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना जो भी स्टेशन है लाइव देखने के लिए, तो मैं यहाँ पर जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ पटना जंक्शन, तो यहाँ पे अपना स्टेशन कोड या नाम डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पटना स्टेशन का कोड है तो वो डालिए, नहीं तो नाम डालिए। जैसे मैं यहाँ पर स्टेशन का नाम ही डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पटना जंक्शन डाल दिया। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो उस स्टेशन से कितने ट्रेन है उसका देखने के लिए यहाँ 2 घंटे पहले बाद तक देख सकते हैं, 4 घंटे बाद तक देख सकते हैं, या 8 घंटे बाद तक देख सकते हैं। जैसे मैं 2 घंटे बाद तक पे क्लिक करता हूँ तो ये 2 घंटे के बाद तक जितने ट्रेन है वो सारे के सारे यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ देख रहे हैं कि गो टू स्टेशन यहाँ ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ गेट ट्रेन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने में यहाँ पर पूरे के पूरे ये लिस्ट ये ओपन होकर आ जाता है और यहाँ पर आपको यहाँ पर शो हो रहा है ट्रेन इन नेक्स्ट 2 आवर, 2 घंटे के बाद इतने सारे ट्रेन जो है उस स्टेशन से, जो आप लाइव देख सकते हैं कि ये उस स्टेशन से इतने सारे ट्रेन कहाँ कहाँ के लिए ये जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मदर जो है मगध सुपर फास्ट है, इसके बाद यहाँ DDN स्पेशल है, यहाँ BGP, तो इतने सारे ट्रेन जो है लाइव आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे वो इस स्टेशन से इतने सारे ट्रेन जाएगी। यहाँ से आप वो सर्च कर सकते हैं या स्पॉट योर ट्रेन पे, जिस ट्रेन में आप सफ़र करना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं, तो मैं स्पॉट योर ट्रेन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप जिस भी ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं उस ट्रेन का नंबर या नाम यहाँ पे डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे जिस ट्रेन में जाना चाहता हूँ उस ट्रेन का मैं यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर अपना स्टेशन चूज कर लेना है कौन सा स्टेशन से जाना, जैसे मैं यहाँ पर ऊपर वाला स्टेशन चूज कर लेता हूँ। यहाँ डेट आप चूज कर सकते हैं कौन सा डेट में आप जाना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 30 जनवरी चूज कर लेता हूँ। यहाँ 100 स्टेशन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पे आपका जो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डिपार्चर ये होगा और ये नो डिले है, ये राइट टाइम पे ये जो ट्रेन है इस स्टेशन से ये राइट टाइम पे खुलेगी। और यहाँ पे आपका जो है डेट भी दिखा दे रहा है और यहाँ पे आपका जो है टाइमिंग भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपना जो भी ट्रेन है जिस ट्रेन से आप जाना चाहते हैं उस ट्रेन का स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये ट्रेन जो डिले है या राइट टाइम पे है या जाएगी ही नहीं या क्या है स्टेटस। तो यहाँ पे यहाँ जो आपका ट्रेन का स्टेटस है वो यहाँ पे शो कर देता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नो डिले, मतलब ये जो ट्रेन है इसी टाइम पे ये खुलेगी, और यहाँ पे नो डिले है मतलब ये ट्रेन जो है इस टाइम पे जाएगी ही जाएगी। सो गाइस, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आप अपने ट्रेन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, लाइव स्टेशन दे सकते हैं, ट्रेन का शेड्यूल यहाँ पर ट्रेन का जो टाइमिंग चेंज हुआ है या नहीं, ट्रेन का रूट चेंज किया गया है या नहीं, या 2 स्टेशन के बीच के में जो भी ट्रेन है उसका भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेन कैंसिल है या क्या है वो चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रेन डिले है या नहीं डिले है यो ट्रेन पे जाके आप यहाँ से इसका पूरा स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो गाइस, इस तरीके से आप घर से निकलने से पहले आप अपने जो भी ट्रेन है उसका स्टेटस बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल से आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप चेक कर सकते हैं। तो गाइस, अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं आपके लिए पर डे लाता रहता हूं।